हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज की वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ मेरी न्यूली डेकोरेटेड बालकनी के साथ। अगर ये वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर चेक कीजिए। थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है क्योंकि आउटडोर शूटिंग कर रही हूँ, बट डोंट वरी, अभी हम अंदर जाएंगे और मास्टर बेडरूम की एक पर्टिकुलर वॉल की मेकओवर आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो पर्टिकुलर वॉल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये बेसिकली मेरी मास्टर बेडरूम की जो एक्सेंट वॉल है वो है, और एक बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग विश थी मेरी कि इस तरीके से मैं अपने एक वॉल को सजाऊंगी। जैसे कि मेरी डाइनिंग हॉल की एक पर्टिकुलर वॉल आपको मैंने दिखाया था, जो ब्रिक वॉल था, वो भी मेरा बहुत ही एक ड्रीम वाला कुछ डेकोरेशन था। तो ये वाला भी काइंड ऑफ वैसा ही है, बहुत दिन से मन था। तो फिर चलिए अंदर और मैं इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरीके से मैं इस वॉल को सजाया है। सो लेट्स गो इनसाइड। सो ये मेरी एम्प्टी मास्टर बेडरूम है, जिसकी लेफ्ट वाली जो वॉल है वहाँ पे मैंने एक्सेंट वॉल करने के लिए सोचा है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक सेज ग्रीन कलर किया है, ये एशियन पेंट से ही है, रॉयल से, और मुझे पर्टिकुलरली यही कलर चाहिए थी, इसीलिए मैंने कोई वॉलपेपर यूज़ नहीं किया है यहाँ पे। और ये जो शेल्फ़ आप देख रहे हैं ये मैंने आइकिया से लिए हैं, इसकी विड्थ काफ़ी अच्छे हैं, स्टडी भी है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा स्पेसियस नहीं है, और ये जो पर्टिकुलर पैसेज वे है तो वो मेरी बालकनी को कनेक्ट करती है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल रखा है फर्नीचर्स, एंड मैंने बहुत ज़्यादा क्लटर यहाँ पे नहीं किया है। तो चलिए एक एक करके फर्नीचर को ऐड करते हैं। तो फर्स्ट जो मैं ऐड कर रही हूँ ये विंग चेयर, ये मैंने दो लिया था, एक आपने मेरी लिविंग रूम में ऑलरेडी देखा है, ये सेकंड वाला है। नेक्स्ट जो मैं ऐड कर रही हूँ ये एक स्टडी टेबल है जो मैंने अर्बन लैडर से लिया है, तो वहाँ पे अच्छी खासी सेल चल रही थी तो वहाँ से मैंने लिया है, तो मेरा काम तो चल जाता है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लैम्प शेड लगाया है, ये भी मैंने आइकिया से लिया है, इसका जो शेप है मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और ये जो टेबल है हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जस्ट एक स्टूल ही रखा है, चेयर नहीं ऐड किया है, ताकि जगह थोड़ा सा क्लटर नहीं लगे ऐसे। तो फिर चलिए एक्सेसराइज करते हैं अभी। तो एक थ्रो यहाँ पे मैंने लगा दिया है वाइट वाला, एक्चुअली यहाँ के लिए भी कुछ एक्सेसरीज़ मुझे अभी भी लेनी है, तो अभी के लिए मेरे पास जो है मैं उसी से ही इसको मेकओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक एक करके ये कुशन लगा दिया है, बेसिकली मैंने दो कुशन यहाँ पे रखा है। ये जो विंग चेयर है इसके नीचे मैंने कोई राउंड कारपेट नहीं लगाया, क्योंकि आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसी पोजिशन में है जो थोड़ी सी ट्रिकी पोजीशन में है, इसीलिए मुझे नहीं लगा कि यहाँ पे बहुत सेफ़ होगा एक एरिया रग लगाने के लिए। तो फिर चलिए अभी डेकोरेट कर लेते हैं ये पर्टिकुलर जो शेल्फ है उसको, यही शो स्टॉपर है इस पर्टिकुलर वॉल का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लार्ज फोटो फ्रेम जो भी मैंने आइकिया से ही लिया है, और यहाँ पर एक छोटी मोटी DIY करेंगे उसके लिए, ऐसे बर्लप मटेरियल मैंने लिया है, और उसके साथ कुछ इस तरीके की फ्लावर लिए हैं जो भी मेरे पास पड़े हुए थे, इससे एक छोटी सी DIY हम करेंगे, बस कुछ नहीं। ये जो बर्लप मटेरियल है वो ये फ़ोटोग्राफ के साइज़ में इस तरीके से हम काट लेंगे, और इसमें वो जो फ्लावर देख रहे हैं उसको मैंने फेविकल की मदद से इसको यहाँ पे जस्ट इस तरीके से पेस्ट कर दिया है। तो काफ़ी सिंपल एक DIY आप कह सकते हैं, कुछ इस तरीके से ये लग रहे हैं देखने में। फिर चलिए इस तरीके से ये हो जाने के बाद हम शेल्फ़ को डेकोरेट करेंगे एक एक करके। हमने मैक्सिमम जो किया है फ़ोटोग्राफ्स ही लगाया है, फैमिली फ़ोटोग्राफ्स, और ये DIY फ्रेम भी हमने लगाया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये पर्टिकुलर शेल्फ। मैंने ये वॉल को सिर्फ ये ही शेल्फ से ही सजाया है और कुछ अभी तक के लिए नहीं लगाया है। थोड़ा सा फ्लावर भी ऐड किया है, थोड़ा सा पिंक एक फ्लावर एक जूट बॉक्स में ऐड किया है, एक ऐसे लैम्प ऐड कर रही हूँ, और पर्टिकुलर ये जो एक ये भी होम सेंटर से लिया है, सैक्यूलेंस आर्टिफिशियल है, और ये प्लांट भी आप आर्टिफिशियली आप देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक जो लाइव प्लांट लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने काफ़ी सिंपल रखा टेबल के ऊपर क्योंकि मेंटेन करने के लिए भी एक बात होती है, तो इस बार मैं बहुत सिंपल डेकोरेशन कर रही हूँ यहाँ पे।
एंड इस टेबल की सबसे अच्छी पार्ट जो है ये पर्टिकुलर ग्रूव जहाँ पे मैं सारे चार्जर्स को रखती हूँ, मुझे कुछ और ऑर्गेनाइज़र यहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं होती है एंड यहाँ पे अच्छी तरीके से चार्ज हो सकते हैं। सारे जो पेन पेंसिल्स जो हमें चाहिए होता है वो हम ड्रायर में रखते हैं। तो फिर चलिए देख लेते हैं फाइनल रिवील। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये थी मेरी मास्टर बेडरूम की एक्सन फल। नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी मेरी मास्टर बेडरूम टूर। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइए मुझे। अगर कोई भी रीज़न से वीडियो को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। फिर से लौटूंगी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।